हमको जमानत भी नहीं होने दे। समय रात के 12:30 बजे, जगह जामा मस्जिद इलाका अलीराजपुर। आधी रात सड़क पर हंगामा बरपा है। 3 महिलाएं पुलिस वैन की छत पर खड़े होकर हंगामा कर रही हैं। चारों लोगों की भीड़ है। अब इस लेडी को देखिए, चेहरा हम दिखा नहीं सकते, वजह आगे बताएंगे, लेकिन पहले इस महिला का गुस्सा देख लीजिए। पुलिस की वैन पर खड़ी है, पास में एक शख्स उसे नीचे उतारने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर में वो भीड़ के बीच पहुंच जाती है। अब समझिए माजरा क्या है, क्यों आधी रात मध्य प्रदेश के अलीराजपुर की सड़कों पर पुलिस वर्सेस पब्लिक वाले हालात हैं। बताया जा रहा है कि आधी रात की महिला अपने पति के साथ गरबा देखकर अपने घर लौट रही थी। आरोप है कि जामा मस्जिद इलाके में एक समुदाय विशेष के लड़कों ने उन्हें रोका, उनके साथ न सिर्फ छेड़खानी की बल्कि मारपीट और बदसलूकी भी की। इसके बाद महिला के हंगामा करने पर आसपास के लोग फौरन मौके पर इकट्ठा। हेलो एवरीवन, तो अभी चल रहा है नवरात्रि का सीजन और डांडिया हर जगह हो रहा है, तो ये मोमिन कैसे अपने चिल को बर्दाश्त कर ले और कैसे शांति से बैठ जाए, ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, ये तो हर जगह गंद फैलाएंगे ही जा कर के, तो ये आइए देखते हैं कि इस बार कहां कहां इन्होंने गंद फैलाया। अगर हम बोलेंगे कुछ तो फिर ये कहेंगे कि एक्स मुस्लिम तो नफ़रत फैलाते हैं। अब आप बताइए कि आप एक कोई लड़की जा रही है, आप उसको पकड़ करके धमकी देंगे, मारपीट करेंगे, उनके साथ बदतमीजी करेंगे, उनको रेप करने की कोशिश करेंगे, तो बताइए ऐसे हालात में आपके साथ क्या सलूक किया जाए? क्या आपका नेचर है कभी भी पत्थर हाथ में लेकर निकल जाना, किसी के अभी सरतन से जुदा कर देना, किसी भी लड़की के साथ छेड़छाड़ कर देना, किसी भी लड़की के साथ कुछ भी कर देना? मतलब क्या ये आगे से ही सिखाया गया ना, इसीलिए ऐसा होता है? अगर आपके नबी साहब ने ऐसा नहीं सिखाया होता तो आज आप बेहतर इंसान होते। देखिए किस तरह ये पीड़ित महिला आधी रात अपने साथ हुई वारदात की आवाज बुलंद कर रही है। तो बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। जिले के एसपी भी पहुंचे तो महिलाएं पुलिस कप्तान से आरोपियों पर ऑन स्पॉट एक्शन की मांग करने लगी। एसपी के समझाने के बावजूद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, भीड़ बेकाबू होती जा रही थी, जिसके बाद मौके पर डीएम की एंट्री हुई। जिसने भी अपराध किया होगा, चाहे वो एक आदमी हो चाहे 100 लोग हो, उन लोगों के खिलाफ नामजद FIR होगी। जिस जिस धारा में आप लोग दिखवाओगे, जो जो अपराध बनेगा, जैसे बताया गया कि धक्का दिया गया, लात मारी गई, रेप करने की कोशिश की गई, ये सारी चीजें आप लोग लिखवाएंगे, उसके हिसाब से जांच होकर उनके खिलाफ FIR होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम कोर्ट में भी उनका बचाव नहीं करेंगे, उनको जमानत भी नहीं होने देंगे। डीएम ने जो भरोसा दिया उससे भीड़ शांत हुई और अपने घरों की ओर लौट गई। हालांकि सुबह होते होते पुलिस एक्शन में आ गई थी। 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है जबकि 5 नामजद लोगों की तलाश हो रही है। देखिए ये जो घटना हुई है, ये एक कहना चाहिए कि बहुत ही गलत प्रोवोकेशन था। उसमें एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे 2 लोग आ रहे थे और एक जो फरियादी पक्ष का, जो फरियादिया का जो पति है, वो वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था। इसी बीच दोनों पक्षों में कुछ तेज़ आवाज़ को लेके बातचीत वगैरह हुई, कहाँ सुनी हुई, और उस पर दोनों ने गाड़ी क्रॉस वगैरह किए और उसके बाद में फिर हाथापाई वगैरह हुई। उन्होंने फिर 3 लोगों को और बुलाया, तो ये सब चीज़ें हमारे पास एविडेंस है। और जो भी इसमें आरोपी, जैसा मैंने पहले ही बताया और रात में ही बताया, इसमें आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो रही है। गैर जमानती धाराओं में अपराध कायम है और जो शेष बचे हुए आरोपी उनको भी पुलिस गिरफ्तार करेगी। जाहिर है इन दिनों पूरे देश में नवरात्र की धूम है। सजे धजे पंडालों में लोग गरबा की धुनों पर थिरक रहे हैं, लेकिन गरबा पंडाल के अंदर से लेकर बाहर सड़कों तक भाईजान की नजर इन आने जाने वालों पर है।
मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में बीती रात जो कुछ भी हुआ वो कहीं ना कहीं उसी टूल किट का हिस्सा है जो गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में दिख रहा है। खुद को लाइट वाला बता रहे इस मुस्लिम युवक पर आरोप है कि ये इंदौर के गरबा पंडाल में नॉन वेज लेकर पहुंच गया था। जैसे इस बात की भनक लगी, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसे दबोच लिया। अरे खाने को क्या लेके आया? अब आप बताइए, किसी गरबा पंडाल में एक मुस्लिम का वहाँ क्या काम है? एक मुस्लिम युवक का वहाँ क्या क्या कर्तव्य है, क्या काम है? वो क्यों गया वहाँ? उसका क्या मोटिव हो सकता है? मामला साफ है, वो लड़कियों को टारगेट करने जाता है, वो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने जाता है, वो अपने जो उनका मोटिव है उसको अंजाम देने जाता है, ठीक है। और अगर ये गया भी तो ये खुद कह रहा है बंदा कि वो खाना लेकर आया है, वो भी चिकन। अब बताइए, नवरात्रि में होता है गरबा, अब इस मौसम में भला, इस माहौल में आप नॉन वेज लेकर आ रहे, चिकन लेकर आ रहे, इसका क्या मतलब है? हम समझे कि आप एक पीसफुल मजहब है, हम माने कि आप एक महिलाओं की इज्जत करना जानते हैं, क्यों जहां आपकी ज़रूरत नहीं है आप वहां क्यों घुसपैठी बने बैठे हैं? बजरंगियों ने गरबा महोत्सव में चिकन के साथ आए इस युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपियों से बरामद चिकन की थैली भी पुलिस के हवाले कर दी गई है। हड्डी खोलो उसको, खोलो एक पाउच को, आराम से खोलो, खोल लो वैसा आराम से। चिकन खोलना क्या दिख रहा? चिकन गदर। गुजरात के वडोदरा के गरबा पंडाल में भी मचा। यहाँ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अनीस नाम के एक मुस्लिम युवक को पकड़ लिया। आरोप ये लगा कि मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों की तस्वीरें अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहा था, गरबा में डांस कर रही लड़कियों को परेशान कर रहा था। जिस हिंदू लड़की को अपना दोस्त बताकर ये गरबा पंडाल में आने का दावा कर रहा था, उस लड़की ने भी इसे पहचानने से इनकार कर दिया। हद तो तब हो गई जब लोगों ने इसके मोबाइल फोन की गैलरी का प्राइवेट फोल्डर देखना चाहा, तो इसका पासवर्ड बार बार गलत हो जा रहा था। फोन का पासवर्ड पता है आपको? फोन का पासवर्ड ये नहीं है, मैं जो है वही है। क्या है? ये डालता हूं ना वही है पासवर्ड, पर नहीं खुल रहा है। ये खुल गया पासवर्ड? नहीं, प्राइवेट फोटो दिखाओ। नहीं, पासवर्ड अपन नहीं खुल रहा। पिन चेक किया? अपन भाई नहीं खुल तो ये पासवर्ड अपन नहीं खुल रहा। ये मतलब ये कह रहा है कि इसका पासवर्ड, मेहता जी ये कह रहा है पासवर्ड नहीं खुल रहा। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपका मोबाइल हो और आपको ही पासवर्ड नहीं पता हो? क्या ऐसा कभी होता है? होता है, जब हम चोरी पकड़े गए, जब हम किसी का मोबाइल यूज़ कर रहे हों या फिर हम झूठ बोल रहे हों, तभी हमें पासवर्ड नहीं पता होता, अन्यथा हमें अपना पासवर्ड पता होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये बंदा गया किसी लड़की का बॉयफ्रेंड बनकर कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हम उसके साथ है, उसके पार्टनर है, और वहाँ जाकर ये क्या कर रहा था? वहाँ पे छुप छुप कर लड़कियों की तस्वीरें निकाल रहा था, और वो तस्वीरें किन जगह यूज़ होगा ये लड़कियाँ जानती है, और सारे हमारे शायद सनातन भाइयों भी जानते हैं कि वो फ़ोटो कहाँ यूज़ होता है, टारगेट करने के लिए, ठीक है, कि ये लड़की है, ये लड़की है, ये ठीक लग रही है, इसको पकड़ते हैं, इसको कन्वर्जन करते, इनको कन्वर्ट करते, ये वेस्ट आइडिया है। अब बताइए, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? इतने सातिर माइंड से ये लोग गेम खेलते हैं ना कि आपको पता भी नहीं चलता है, और आप लोग हल्के में इनको लेकर निकल लेते हैं। खत्म हो जाए। वडोदरा और इंदौर के अलावा उत्तर प्रदेश के कानपुर और झांसी में भी गरबा पंडालों में मुस्लिम युवक पकड़े गए। कानपुर में तो डांडिया और गरबा प्रोग्राम में घुसने पर मुस्लिम युवक की पिटाई हो गई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि मुस्लिम युवक ने पहचान छिपाकर गरबा में घुसने की कोशिश की थी। पकड़े जाने के बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस युवक को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस घटना को लेकर नई बहस छिड़ गई है। कुछ लोग आरोपियों पर पुलिस के एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग हिंदू संगठनों की इस कार्रवाई का समर्थन कर। अब तुम ही बताओ हिंदू भाइयों,
और मोमिनों लोग कि आखिर आप गरबा में क्यों जाते हैं, नाम बदलकर, कलावा बांधकर, टीका लगाकर क्यों जाते हैं वहाँ पे, क्या मकसद होता है आपका, क्या आपके, आप तो कहते हैं हमारे मक्का मदीना में किसी का आना गैर मोमिनों का मतलब वर्जित है, फिर आप क्यों जाते हैं किसी के हिंदू का फेस्टिवल हो या किसी भी ऐसे रिलीजन का जहां आपका जाना ही गुनाह है, फिर वहां आप क्यों जाते हैं? आप जाते इसीलिए हैं ताकि आप अपने मकसद को अंजाम दे सके, ठीक है, इसीलिए आप जाते हैं। फिर उसके उस टाइम आपको ये नहीं दिखता है कि हमें गुनाह होगा कि अजाब होगा, आप वहाँ क्यों जाते हैं, है ना? तो ये हमारे जो सेकुलर भाई लोग हैं उनको सोचते दिख रहे हैं। गरबा महोत्सव में डांडिया स्टिक की खटखट तो खूब सुनाई दे रही है, लेकिन खटपट भी बहुत हो रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में गरबा के उत्सव पर उपद्रव का काला रंग चढ़ गया और आरोप लगाया कि यहां गरबा पंडालों में 50 से ज्यादा मुस्लिम युवकों को बिना पहचान जाने एंट्री दी गई, अश्लील और फूहड़ फिल्मी गीतों पर गरबा कराया जा रहा है। अभी आप अंदर पूरी सच कराइए, कम से कम नहीं मिलेगा तो आपको 50 मुस्लिम मिलेंगे। तीन घंटे इनको समझाते आ रहे हैं मुसलमानों का मत करिए, आईडी से सर्च हो रही है मुसलमानों की, कम से कम 70 आईडी सर्च है, ये बताते आ रहे हैं। मैं जबलपुर शहर का माहौल खराब करा और हम आए तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को बाउंसर की धक्का दिलवाई, हम अभी मुसलमान बाउंसर, हम तो गरबे वाले पे एफआईआर करेंगे। धार्मिक छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तो गरबा प्रोग्राम में मुस्लिम सेलिब्रिटी सिंगर का विरोध हो गया। सर्व हिंदू समाज ने यहां इंडियन आइडल फेम मोहम्मद दानिश को गेस्ट बनाए जाने का विरोध किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई। हिंदू संगठन का कहना था कि नवरात्रि विशुद्ध रूप से हिंदुओं का पर्व है, इसमें धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं होने देंगे। घंटों विरोध के बाद प्रशासन और आयोजकों ने सेलिब्रिटी सिंगर मोहम्मद दानिश के अश्लील गीत नहीं गाने की शर्त पर मामला शांत किया। शहर शहर गरबा आयोजन के दौरान हंगामा हो रहा है, गरबे में गदर हो रहा है, गौमूत्र के छिड़काव, तिलक धारियों के कड़े पहरे और जय श्री राम के जय घोष लगवाने के बावजूद अलग अलग शहरों से बवाल की तस्वीरें आ रही हैं। गरबा पंडालों से लेकर आने जाने वाले रास्तों पर लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई शहरों में पुलिस की शी टीम भी एक्शन मोड में है। आप अपने फेस्टिवल में मुस्लिमों को एंट्री क्यों देते हैं? आप अपने फेस्टिवल पे मोहम्मद दानिश जैसे लोगों को, मुनव्वर जैसे लोगों को, ऐसे लोगों को इनवाइट ही क्यों करते हैं जब आपको पता है कि ये हमारे संस्कृत से, हमारे रिलीजन से रिलेटेड है? फिर हम ऐसे लोगों को क्यों बुलाएं जो एक अंदर से एक नंबर का कट्टर होते हैं, फिर आप क्यों बुलाते हैं? जब आपको यही करना है तो फिर ये क्यों कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए? क्यों फिर ये दिखावा करते हैं कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं, हम अपने बहन बेटियों के लिए कुछ कर रहे हैं? देखिए, जागने की ज़रूरत है और हमें लगता है अब नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागेंगे। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं कि कौन सी जगह पे आपको लगा कि हाँ यहाँ ज़्यादा गलत हुआ है। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय और जल्दी ही हम लाइव आएंगे। थैंक यू सो मच।